मम्मी पापा अरे आओ 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 नमस्ते जीते रहो नमस्ते आंटी नमस्ते बस 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 जीते रहो पापा तेज आपसे कुछ कहना चाहते हैं वेरी गुड बोलो बेटा अंकल आंटी आखिरकार मैंने मैंने अपने घर में टोस्टी और मेरे प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा मैं भी सोच सोच कर हैरान थी कि तुम्हारा और टोस्टी का अफेयर पिछले 2 साल से चल रहा है और तुमने अपने घर वालों को आज तक बताया तक नहीं हाँ बेटा जबकि हम लड़की के माँ बाप हैं फिर भी हमने तुम्हें अपने होने वाले दामाद को अपना बेटा समझकर पहले ही अपना लिया तेज तुम्हारे घर वालों को मुझे बहू के तौर पे स्वीकारने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना वैसे तो सब लोग मान गए हैं सिवाय दो जन के दो जन हाँ कौन तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मेरी बीवी और बच्चा क्या हे भगवान इस सपने को सच मत होने देना इस सपने को सच मत होने देना आज आप टोस्टी से जरा जोर देके बात कीजिए उसे कहिए कि शाम को तेज को घर पर बुलाए क्या है सारा टाइम फिर हम दोनों मिलके जोर देके तेज से बात करते हैं आना के लड़का बहुत अच्छा है और हमने भी उसे अपने घर का होने वाला दामाद कम बेटा ज्यादा माना है लेकिन उसे भी तो अपने घर वालों को हमारी बेटी के बारे में बताना चाहिए ना कि वो टोस्टी से प्यार करता है ये आजकल करते करते पूरे 2 साल आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ यस यस पता है आज टोस्टी की फ्रेंड शिवांगी की सगाई है मम्मा अरे वाह वेरी गुड क्या वेरी गुड क्या वेरी गुड शिवांगी की सगाई कैसे हो सकती है हाँ शिवांगी की तो शादी हो गई नहीं क्या आप भी मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप करे जा रहे हैं सॉरी मैं बात की सीरियसनेस को समझ रहा हूँ दोस्ती का कॉलेज पूरा हुए 1 साल हो गया उसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई शिवांगी सुनैना नितिका बची थी आज उसकी सगाई है हमारी टोस्टी समझदार को इशारा काफी है सुधा ललित कुमार शर्मा जी अवलदार का इशारा तो समझ नहीं पाते रुकने के इशारे पे आप गाड़ी लेके चल देते हैं और फिर जुर्माना भर के आओगे लेकिन आपका ये इशारा मेरी अच्छी तरह समझ में आ गया मैं आज ही टोस्टी से बात करता हूँ कि वो शाम को तेज प्रकाश चतुर्वेदी को घर पर बुला ले शिवांगी सचदेव और सुनैना ढक्कर आ जाओ सुनैना हम सही टाइम पे आए हैं अरे 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 शिवांगी नितिका की सगाई में खाना नहीं मिलेगा तुझे मिलेगा मगर आपकी टेस्ट जैसा नहीं आंटी ओहो मस्का खाओ अच्छे से खाओ अंकल लेकिन आज क्या बात है सुधा ये दोनों क्या लग रही हैं आज
आज कम से कम 10-15 रिश्ते तो आएंगे इनके लिए, नहीं? वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे पतियों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ओह वाह, अच्छा जोक मारा ना मैंने। ये जोक था? हाँ। ये कैसा जोक है? क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं कुछ नहीं, पैनिक अटैक है। आंटी टोस्टी कहाँ है? 2 मिनट 2 मिनट करके पिछले 2 घंटे से अभी भी तैयार हो रही है। मैं भुला कर लेके आती हूँ। सुन सुन सुन। हाँ? बेटा मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ? मुझे एक बात बता। हाँ? ये तेज और टोस्टी के अफेयर को तकरीबन 2 साल तो हो ही गए। हाँ? लेकिन आज तक तेज ने अपने घर वालों से टोस्टी के बारे में कोई बात नहीं की है। हाँ? और हमें भी नहीं पता कि वो कैसे लोग हैं, हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे भी कि नहीं। अगर स्वीकार कर भी लेते हैं तो उसके घर का माहौल कैसा है? बेटा ये तेज अपने घर में बात क्यों नहीं कर रहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप सही बोल रहे हो आंटी, है ना? मुझे तो लग रहा है तेज टाल रहा है। तुझे भी ऐसा लग रहा है? हाँ, मगर आप टेंशन मत लो आंटी, मैं हूँ ना, मैं बात करती हूँ तेज से, आज एंगेजमेंट पर मिलने वाला है ना वो। हाँ, मैं हूँ मैं हूँ। Hi! Wow! Oh my God! Thank you. आंटी, वैसे आज सिर्फ एक काले टीके से काम नहीं चलने वाला है, इसके तो पूरे मुंह पे काजल लगा दीजिए। That's a good idea. हमारी नजर ना लग जाए। पूरे मुंह पे काजल लगा दो ताकि सिर्फ ये मैडम खूबसूरत लगे। Oh yeah, actually. Anyway, बहुत लेट हो रहा है, चलो चलो चलो। Okay, bye 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 bye. तुम लोग चलो, तुम लोग चलो। क्या हुआ? तुम लोग चलो। अच्छा अच्छा। पापा आप कुछ कह रहे थे ना, कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, वो तेज प्रकाश चतुर्वेदी को आज शाम को घर पर ले आना, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या बात करनी है? मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उसे। और क्या बात हो सकती है? मैं उसे शाम को लेके आती हूँ। बेटा तुम्हारी माँ को बहुत फिक्र हो रही है और मुझे भी। चलो पापा, समझ गई। बाय। ये थोड़ा धीमे करना। नहीं। क्या धीमे कर, ले थोड़ा और। शिवांगी, अरे ले खुश। अब ठीक है। टोस्टी, तेज अपने घर पे बताता क्यों नहीं है तुम दोनों के बारे में? प्लीज यार, अब फिर मत शुरू होना। कम ऑन यार, 2 साल हो गए आजकल करते करते। दो साल नहीं, 1 साल 11 महीने। यार तू जानती है उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो बात कर लेगा। यू नो हिम शिवांगी, वो कितना सीधा और कितना शर्मीला है यार। थैंक यू। राइट, वो लड़की है जो शर्मा रहा है, इसने अपने घर पे बता दिया। अंकल आंटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया यार, तो वो अपने घर पे क्यों नहीं बताता है? अरे यार, यही तो गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, वो छुप छुप के मिलना, एक दूसरे के लिए तड़पना, हाय कितना मजा आता है यार। हमें देखो, शादी कर ली और रोमांस फुस। टोस्टी, मैं तो कहती हूँ और 2 साल मत बता ना। ए ए, लाइफ में थोड़ा थ्रिल रहेगा। ए तो चुप कर, कुछ भी बात करती है। तेज एंगेजमेंट पर आ रहा है ना आज? हाँ, हॉल में ही मिल रहा है। तो बस वही मिल लूंगी उससे। नहीं 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 यार, प्लीज तू उससे ना मिलना ना उससे बात करना। तू जानती है ना वो तेरे सामने नर्वस हो जाता है। या जिंदगी भर प्रोटेक्ट करते रहना उसे, और कुछ नहीं, यही हो जाएगा। ये भाई साहब 2 साल में उसे मौका ही नहीं मिला ना। डोंट टेक मी सीरियसली, मगर मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। व्हाट व्हाट, शिवांगी कार के ब्रेक्स बिल्कुल ठीक है। ये तेरी आदत है ना, मरवाएगी कभी।
स्वेर यार। बाप रे, ब्यूटीफुल। ये एंगेजमेंट है या मेला? यू नो व्हाट, मेरी शादी में भी इतने लोग नहीं आए थे। इतने सारे लोग? अब तो सिक्योरिटी नहीं है यार। आई मीन मॉल और थिएटर में भी तो सिक्योरिटी चेकअप होती है, और यहाँ नहीं है। शिवांगी, ये एंगेजमेंट पार्टी है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक की क्या जरूरत? बॉम ब्लास्ट भीड़ भाड़ वाली जगहों में होती है। व्हाट, डोंट टेक मी सीरियसली, मगर क्या गारंटी है? उन गिफ्ट बॉक्स में गिफ्ट ही है। तो अब चुप कर आ शिवांगी, कुछ भी बोलती है। इतना सीरियस मुंह बना के बोलती है कि किसी को भी यकीन आ जाए, और फिर बोलती है डोंट टेक मी सीरियसली। अभी चले अपने रियल बॉम से मिलने। कैसे हो? बिल्कुल ठीक। हाउ डू, कंग्रेचुलेशन। एक मिनट, इसका मेकअप कितना लाउड है यार। हाँ, और ये झुमके कौन से पहने हैं तूने? और ये लिपस्टिक कौन से जमाने की लगाई है? और ये नेकलेस, ये बैंगल, कुछ भी मैचिंग नहीं है। नील पेंट देख, दोस्ती कितना सैड कलर है यार। वेरी बैड अनितिका, सीरियसली वेरी बैड। आज तेरी एंगेजमेंट ही है ना? आज तो अच्छी लग सकती थी। सच बताओ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही क्या? बहुत अच्छी लग रही है यार। तेरी टांग खींच रहे है बुद्धू, आज तुझसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ कोई नहीं लग रहा। अच्छा, राजन कहाँ है? हाँ, राजन कहाँ है? उसकी मम्मी के पास। What? बताओ, अब तक मम्मी का पल्लू पकड़े हुए हैं, सिर्फ बोल एंगेजमेंट हो रही है, मेरा पल्लू पकड़ने की आदत डाले। Hey angels. Hi Charlie. तो राजन, कैसा लग रहा है? जिसे नीतिका जैसी लाइफ पार्टनर मिली हो, वो तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान ही होगा। ओहो। और साथ में तीन आधी घरवाली। देख देख देख, लाइन मार रहा है। ओ कम ऑन एंजल्स, मैं तो मजाक कर रहा था यार। मम्मी ने तुम्हारे लिए पिंक साड़ी भेजी। अच्छा, एंगेजमेंट से पहले पहन लेना। क्यों, ये मरून साड़ी तो अच्छी लग रही है। अरे पर ये पिंक साड़ी भी अच्छी लगेगी। राजन, be fair, उसकी एंगेजमेंट है, let her decide. तुम्हें पता है नितिका ने हमें कितने स्टोर्स में घुमाया था, फिर जाके मैडम को ये मरून साड़ी पसंद आई, और अब तुम्हारी मम्मी कह रही है पिंक साड़ी पहन लो। No way राजन, मम्मी को कह दो ये पिंक साड़ी फिर कभी पहन लेगी, आज ये मरून साड़ी ही पहनेगी। राइट नितिका? राजन प्लीज। माय गॉड नितिका, मेरी सास ने तो मेरी शादी के बाद डोमिनेट करना शुरू किया था, और तेरी सास तो अभी से ही, तू तो गई। हे, तू बिल्कुल नहीं बदलेगी। हाँ, और तेरी सास, मुझे पता है वो तुझमें ना हक जता रही है, अगर तू अपना पल्ला भारी रखना। हेलो 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 टोस्टी, मैं एक मिनट में आई। हेलो, ओके। हेलो टोस्टी, तेज कहाँ हो तुम, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। तुम्हें कभी कोई एड्रेस मिला है? इसमें मेरी क्या गलती है टोस्टी? तुम्हें बोलना चाहिए था वो निर्का को कि कोई सीधे से नाम वाला हॉल ढूंढ लेती। ये औचित्य मुझसे ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। औचित्य ब्राह्मण औदम्बर हॉल, ये किसी हॉल का नाम है? हजारों सीधे से सिंपल से नाम वाले हॉल है। अभी दो लोगों का नाम बोला मैंने, चक्कर खा के नीचे गिर गए। तेज, किसी को नाम बताने की क्या जरूरत है, एड्रेस लिख के दिया है वही बता दो ना। एक काम करो, बताओ टोस्टी। तो क्या तेज, कैसे हो तुम? तुम कभी भी कहीं पर भी टाइम पे पहुंचे हो, कभी तुम्हारे बाइक से मोबाइल गिर जाता है, कभी तुम्हें एड्रेस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ के पहुंचता हूं। कहां पहुंचे तुम? मैं, हां मैं मारा टेलीफोन एक्सचेंज के पास में हूं। ठीक है, वहां से ना सीधा आओ, वहां पर दो गाय मिलेंगे, गाय से लेफ्ट लो। और दो गाय वो वहां खड़े खड़े मेरा इंतजार कर रही होंगी क्या? मुझे क्या पता, मुझे तंग मत करो। तुम यहाँ पे 5 मिनट में मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता। बाय। तू अब चुप कर आ शिवांगी, मेरे तेज को और कुछ मत बोल, जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा।
पहला। कौन है? तेज। कब तक आ रहा है वो? आ रहा है 5 मिनट में। गुड यार। अच्छा जल्दी आ जाओ। एंजल्स। मम्मी ये नितिका की दोस्त है टोस्टी। नमस्ते आंटी। शिवांगी और सुनैना। नमस्ते आंटी। और एंजल्स ये है मेरी मम्मी टोस्टी। राइट, ये टोस्टी कैसा नाम है आंटी? एक्चुअली मेरा नाम तानिया शर्मा है, लेकिन क्या हुआ ना, जब मम्मी प्रेग्नेंट थी ना तो उन्होंने खूब सारे टोस्ट खाए थे और इसीलिए मुझे सब प्यार से टोस्ट ही बुलाते हैं। ओह अच्छा अच्छा। नितिका। जी मम्मी जी। बेटा तुमने ये पिंक साड़ी पहनने से मना कर दिया। मम्मी जी वो आंटी एक्चुअली नितिका को 10 दिन की मेहनत के बाद ये मरून साड़ी पसंद आई है और उसने खास जाके एक डिजाइनर से बनवाई है, सो प्लीज डोंट माइंड। अच्छा खास डिजाइनर से बनवाई है, तू मुझे ये पहले नहीं बता सकता था? कोई बात नहीं बेटा, मैरून साड़ी भी अच्छी है और फिर सगाई भी तुम्हारी है तो तुम्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने चाहिए, है ना? अरे तुम लोगों ने कुछ खाया पिया या नहीं? फील फ्री, हाँ टेक एनीथिंग यू वांट। मैं चलती हूँ। चलें बेटा। जी मैम। एक्सक्यूज मी। हाँ। वाव। सीरियसली? कमाल है। हमें तो लग रहा था तेरी सास ललिता पवार है, लेकिन इसे निरुपा रॉय निकली। एक मिनट। जी मम्मी जी, मैं बताना भूल गई। दरअसल हमारी फैमिली में आज तक जिसने मरून साड़ी पहनकर शादी या सगाई की है ना, उसकी शादी टिकी नहीं। और ये हकीकत है बेटा, मैं ये नहीं कहती कि तुम ये पिंक साड़ी ही पहनो, वैसे ये मरून साड़ी भी अच्छी ही है। हाँ मैं अभी आई। अच्छा मैं चलती हूँ बेटा, अपने दोस्तों का ख्याल रखना। हाँ जी। हाँ मम्मी आया। यार तेरी सास तो अजगर है। हाँ यार, मुझे लगा ये सिर्फ डोमिनेट करेगी मगर ये तो पॉलिटिक्स खेल रही है। तेरी सास के सामने ना मुझे मेरी सास भगवान लग रही है। अब चाहे जो भी हो, सगाई रुके या टूटे, मैं ये साड़ी बिल्कुल नहीं पहनूंगी। That's the spirit. Very good. Toasty. तीज। आज तो ये गया। अरे ये क्या? क्या है? कपड़े हैं और क्या? ऐसे किसी मद्रासी फिल्म के हीरो लग रहे हो। तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, एक बार फोन करके पूछ लो ना किसी ओकेजन से पहले कि क्या पहनो। ओके ओके, अगली बार तुमसे पूछ लूंगा। और ये क्या है? क्या तुम्हारा बटन हमेशा क्यों टूटा रहता है? विटामिन की गोली समझ के खा लेते हो क्या ऐसे? ये क्या ये आती तो है नहीं ड्रेसिंग सेंस, क्यों पहनते हो ऐसे कपड़े तेज? ऐसे मत देखो। क्यों? क्योंकि फिर मेरा गुस्सा कम हो जाएगा ना। फिर इस छोटे से नादान से बेबी पे प्यार आएगा। अरे शिवांगी हाय। टोस्टी ये कौन है एलियन जो जोकर की तरह आया है? कम ऑन शिवांगी, टोस्टी मुझे ऑलरेडी डांट चुकी है। टोस्टी तू अपने पर्स में सुई धागा रखती है ना,
एक काम कर, आगे से इसके लिए शर्ट भी रखा कर। तू अब चुप कर शिवांगी, मेरे तेज को और कुछ मत बोल, जैसा भी है मुझे बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर कर, जितना चाहिए उतना प्रोटेक्ट कर उसे, फिर बोलना मत कि मैंने बोला नहीं था। I love you. अब मैं तुम्हें आई लव यू कहूंगी तो तुम्हें दर्द होगा ना? क्यों? देखो, I love you. लड़की को बुलाइए। नितिका, जल्दी। नितिका, ये पिंक साड़ी क्यों पहन ली? क्या हुआ? सास का पलड़ा भारी कर रही है, जिंदगी भर रोएगी मैं बता रही हूँ। डर गई ना? सिर्फ एक साड़ी के लिए? मैं राजन को खोना नहीं चाहती। बहुत अच्छी लग रही है पिंक साड़ी में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरी काच मंगलाय तनोहरी। स्कूल जाना है। अरे आज तो छुट्टी है ना, नेशनल हॉलीडे। हाँ, और आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, टीचर को तो जाना पड़ेगा। चलो, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय बाय। भाई क्यों? तुम चलो, मैं यहीं रुकता हूँ। तेज, तुम भी ना। तेज, आज पापा ने तुम्हें घर पे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? तुम नहीं जानते क्या जरूरी बात करनी है। एक काम करते हैं, तुम अभी अंदर जाओ, जब फ्री हो जाओगी तो किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे, और उसके बाद तुम्हारे घर। पक्का? मैं खुद जानता हूँ कि मुझे तुरंत बात करनी चाहिए और मैं करूंगा, करनी चाहिए और मैं करूंगा। बस दो तीन दिन और, दो तीन दिन और नहीं। कल सुबह ही तुम अपने घर वालों से, तुम अपने घर वालों से बात करो। तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करना। तेज। अरे यार, बुरा मानने वाली क्या बात है, कहो क्या बात है, बोलो। आज मैंने मम्मी पापा की आंखों में एक चिंता देखी कि हमारी बेटी का भविष्य आखिर तेज के साथ है क्या। देखो, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक तुमने अपने घर वालों को हमारे प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया? दोस्ती, मैं खुद अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि जब मैं। तेज, 2 साल आज तक मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में कुछ नहीं जानती। जिस हक से तुम मेरे घर आ सकते हो, मैं भी उसी हक से तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं अपने घर में बात कर सकता तो क्या अब तक नहीं करता, चुप रहता? लेकिन मेरे घर का माहौल और घरों जैसा नहीं है, अलग है, बहुत अलग है। और मैं नहीं चाहता कि किसी जल्दबाजी की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से मैं तुम्हें। I don't want to lose you, Toasty. I love you too much. लेकिन मैं और देर नहीं करूंगा, बहुत जल्द घर पे बात करूंगा। Can you trust me?
शिवांगी, हेलो, कहाँ है? तेज के साथ? हाँ, तू उससे थोड़ा दूर जाके बात कर। क्यों? क्योंकि तेरे फोन के स्पीकर्स काफी लाउड है, इसलिए। और मैं नहीं चाहती वो हमारी बातें सुने। एक मिनट। हाँ बोल। कहा उतना पहले वो कर। बात क्या है? वो तुझे देख रहा है क्या? हाँ। एक काम कर, उसके सामने ना मुस्कुरा, उसे ऐसे लगेगा सब कुछ नॉर्मल है। अब बोलेगी क्या हुआ है? और उसकी तरफ पीट करके घूम जा, ताकि वो लिप रीडिंग ना कर सके। शिवान की तू बताएगी सही बात क्या है? डोंट टेक मी सीरियसली, लेकिन तेज शादीशुदा है। क्या क्या बोल रही है शिवांगी, तू पागल हो गई है? तेज शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। क्या? पापा। अरे कहाँ था, स्कूल में था इतनी देर से? मम्मी कहाँ? अरे आ गए, कैसी हो तुम? अरे वाह, कैसा रहा दिन? शिवांगी तुझे किसने बताया कि तेज शादीशुदा है? तेरी मम्मी ने। मम्मी को किसने बताया? सपने ने। शिवांगी, अरे तेरी मम्मी को सपना है, उसे फोन करके मुझे बता दिया और मैंने तुझे बता दिया। तू पागल हो गई है ना शिवांगी? मुझे भी ना कल सुबह एक सपना आने वाला है कि मैं तेरा खून कर दूंगी। टोस्टी, सारे सपने सच नहीं होते। शिवांगी फोन रख। क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, चले। अरे चले, खाना तो खत्म कर लो। हाँ। अरे तेज बेटा। अरे नमस्ते आंटी। आओ आओ, जीते रहो जीते रहो। सुनिए, तेज आया है। आओ ना। तेज प्रकाश चतुर्वेदी। आओ आओ, वेरी गुड वेरी गुड। जीते रहो जीते रहो। कैसे हो भाई? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं कॉफी बना कर आती हूँ, तुम बैठो ना, अंकल बात करेंगे। मामा, मैं आ रही हूँ। तेज बैठो। जी जी। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। आप मुझसे यही पूछना चाहते हैं ना कि मैंने अब तक घर में बात क्यों नहीं की? हाँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। पिछले 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब था कि नहीं बेटा, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, अंकल सब कुछ ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जानता हूँ कि मुझे तुरंत बात करनी चाहिए और मैं करूंगा। बस 2-3 दिन और। नहीं, 2-3 दिन और नहीं, कल सुबह ही तुम अपने घर वालों से बात करो। दोनों परिवार मिलकर जल्द से जल्द सब कुछ तय कर लें। हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी और टोस्टी की शादी इसी साल हो जाए, ठीक है ना?